जिस तरह से आप लोग एक अनरिकग्नाइज्ड लोगों को जिस तरह से रिकग्निशन दे रहे हैं और जिस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये इस तरह की चीज़ें जिस जो इनिशिएट किया है उनको बिग थैंक्स। बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। जो हमारा शो आता है उस शो पे जो हमारा नाम आता है वो हमारा एप्रिशिएशन ही होता है। और जितने भी कलाकार हम खास करते हैं वो कलाकार जब हमारे बारे में बोलते हैं तो दैट इज़ द बिगेस्ट एप्रिशिएशन विच आई मतलब वी जनरली वी गेट। बहुत पावर मिलता है एक्चुअली, पावर मिलता है कि और अच्छा और बड़ा काम करें। हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जो हमको देख रहे हैं सभी को हैप्पी दिवाली। इंडियन शाखा अवार्ड को और मनीष को मौर्या को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उसने हमें इस लायक समझा। और बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ साथ में मेरी छुटकी बोल के एक शालिनी सिंह है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज लोगों को इस इंडियन शाखा अवार्ड की ओर से और मैं अपनी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। फीड इंडिया का डोज आधा घंटा रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लव टू थैंक्स इंडियन शाखा अवार्ड एंड सनी अग्रवाल एंड मनीष जी, आई लव टू हियर, आई एम हियर। ये अवार्ड मुझे मिला है, बहुत खुशी हो रही है कि सागा अवार्ड जो मुझे याद किए इन लोगों ने, ये बहुत खुशी हुई। एज ए एक्शन डायरेक्टर में तो मैंने काफ़ी फिल्में किया हूँ, बड़ी बड़ी दो फिल्म फेयर अवार्ड भी ले चुका हूँ, लेकिन उस फिल्म फेयर अवार्ड से ज़्यादा अवार्ड की अहमियत ये है। इंडियन सागा अवार्ड नाइट मेरे लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और मुझे अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, सपोर्टिंग के लिए। मैंने इंडस्ट्री के लिए इतने साल काम किया, उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। एंड आई टेक इट इन अ वेरी गुड मैनर एंड वेरी पॉजिटिवली बिकॉज आई डिजर्व इट, ऑल द अवार्ड्स आई डिजर्व। सो थैंक यू साहिल खान। बहुत अच्छा लगता है जब किसी आर्टिस्ट को लोग बुलाते हैं और अवार्ड देते हैं। और जैसा कि हर एक आर्टिस्ट चाहता है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि कई सारे अवार्ड्स मिले और आज मुझे इंडियन सागा अवार्ड्स के लिए बुलाया गया और ये ट्रॉफी मेरे हाथ में। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अपकमिंग सॉन्ग्स, अभी दिवाली के जस्ट बाद मेरा एक अमावस गाना आ रहा है, बहुत अच्छा गाना है और सैड रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें मैं भी हूँ और आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। द होल थिंग अबाउट यस प्रोबेबली व्हाट एवर यू आर डूइंग इज समथिंग ऑन दोज लाइंस वेयर द कॉन्टिनेंट नीड्स यू एंड टू गेट ऑनर्ड। थैंक्स, थैंक्स अ मिलियन। ऊपर वाले का मेहर, अ फैंटास्टिक दिवाली, अ कोरोना फ्री दिवाली फाइनली। होप वी रियली लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट एंड मेक द कॉन्टिनेंट अ फैंटास्टिक प्लेस टू लिव इन। थैंक यू। आई हैव बीन टाइटल्ड एज द सदर्न सेंसेशन। Okay, so Southern Sensation, that's so nice as I am doing 2 to 3 movies in 2 movies and one movie which is upcoming in Tamil and also you will be seeing me in Bollywood too. ये लोगों ने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि किसी भी सोशल फील्ड में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको इनकरेज करने का काम जस्टिन और ये म्यूजिक करती है। और जो जिनको अवार्ड रिसीव्ड होता है, जैसे मुझको आज अवार्ड रिसीव मिला है, अभी इस अवार्ड के साथ मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि हमको समाज में और अच्छा काम करना है। बहुत अच्छा लगा आज मुझे दिल्ली से यहाँ पे बुलाया है। आपको याद है ना, माँ बोलती थी अरे ये कर मैं फिर तुम्हें ये देती हूँ लड्डू। तो इट्स द सेम फीलिंग, व्हेनेवर यू गेट अवार्ड दैट लड्डू फीलिंग इज ऑलवेज देयर इनसाइड। सोशल वर्क इज जस्ट फीलिंग, ये फीलिंग की बात है। जिसको फील होता है वो करता है, जिसको फील नहीं होता है वो साइड से चला जाता है। इट जस्ट लाइक दैट। बट द ग्रेट मॉम स्वामी विवेकानंद करके टीवी सीरियल आ रही है जिसका हमारा एक फेज शूट लॉकडाउन से पहले हो गया, अभी सेकेंड फेज दिसंबर में शुरू हो रहा है। सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। बहुत अच्छा लग रहा है जब व्हेन यू गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क और योर अचीवमेंट, जितने भी थोड़े छोटे मोटे हैं तो बहुत ही अकम्प्लिश फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ग्रैटिट्यूड। मुझे यंग अचीवर के कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है और मेरे को तो नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ अचीव किया है, बट जितना भी थोड़ा बहुत किया है उसके लिए अचीव किया गया है। सो आई एम रियली 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 ग्रेटफुल। सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये है कि हम सब यहाँ पे बिना मास्क के हैं आज की डेट में। दो साल हो गए हैं सब लोग मास्क में घूमते थे, हम किसी को खुश नहीं देखते थे and सबके मुँह खबर रहते थे। सो एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एवरीबडी लुक्स हैप्पी। हॉलीवुड आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मॉडलिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट
जो हम कर रहे हैं, जो मैंने आपको भी बताया, डांसिंग नन, इट इज़ नॉट अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीवुड बॉलीवुड. सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया करना चाहती हूँ और सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. इट्स द अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ट्रायंफ, हमारा जो प्रोडक्ट है. सो वी आर अ जयपुर बेस्ड कंपनी एंड आई वांट टू थैंक यू नो सागा अवार्ड्स फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू अस. यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल ऑलरेडी बना हुआ है, हाइप अप है. और तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो भी हमारे अवार्डी आए थे यहाँ पे, और यफ म्यूजिक प्रेजेंट, यफ म्यूजिक एंड जस्टिन क्रिएटिव स्पार्क प्रेजेंट्स इंडियन सागा अवार्ड्स, ये हमारा टाइटल है. और हमने जो जितने लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया है वो कुछ ना कुछ उन्होंने किया, हासिल किया है लाइफ में, और हमें ऑनर, हम ऑनर फील करते हैं कि हमने उनको अवार्ड दिया है. और ऐसे सोशल इवेंट्स और ऐसे सोशल एंड इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी इवेंट्स होंगे, हम लोग उनको प्रमोट करेंगे, उनके जो आर्टिस्ट को प्रमोट करेंगे. और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है. थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु केम फॉरवर्ड टू मेक दिस पॉसिबल. एफ म्यूजिक एंड जस्टिन स्पार्क सागा अवार्ड फर्स्ट एडिशन है मुंबई में, इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल. एंड इसमें बॉलीवुड पर्सनैलिटीज काफ़ी थे, इंडिविजुअल्स थे एंड काफ़ी ब्रांड्स थे. सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम. बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इतने टाइम से लॉकडाउन में ऐसा मौका नहीं मिला कि हम रूबरू हो चुके, स्पेशली आप सबसे. तो आप सबको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन सागा टीम की, पूरी अवार्ड्स की पूरी टीम को. दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब. आई होप सो कि अभी कोविड की थर्ड वेव ना आए. सो आप सब भी प्लीज सेफ रहिए. एंड आई एम श्योर कि अभी धीरे धीरे जैसे सब खुलने लगा है, आने वाला टाइम हम सब के लिए अच्छा आ रहा है. आगे हम ऐसे बहुत सारे शोज करते रहेंगे, बहुत सारे अवार्ड्स लोगों को देते रहेंगे, और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से. तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है. देखिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं. हमारे साथ में आज दीपक कपूर जी हैं और उनकी वाइफ हैं राजश्री कपूर जी. इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ. देखिए, मैं इनको मीडिया के सामने लाऊँ, ये नहीं चाहते कि हम पब्लिक के सामने आए, हम अपने कामों के बारे में बताएं. लेकिन यकीन मानो, आप बेजुबान जानवरों के लिए जो कर रहे हैं ना, उससे ऐसा दिल भर आता है इनका काम देख कर. और ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, मनीष, संत प्रकाश, दीपक जी, ये सब हमारी टीम है.